लोकसभा चुनाव के मैदान में बिहार से एनडीए का कौन सा उम्मीदवार कहां से ताल ठोकेगा, यह आज पूरे तरीके से साफ हो गया। आपको बता दें, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी ने आज अपने अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया। जो सबसे बड़ी बात रही वो ये कि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की परंपरागत सीट यानी भागलपुर अब जेडीयू के खाते में चली गई। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए ने सीटों का ऐलान कर दिया। 17 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू लड़ेगी, जबकि 6 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ेगी। आज तीन पार्टियों ने पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीटों का ऐलान किया। किशनगंज, सीतामढ़ी, मुंगेर, नवादा, कटिहार, नालंदा, गया, पूर्णिया और मधेपुरा जेडीयू को मिली है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, पटना साहिब, आरा, पाटलिपुत्र, सासाराम और औरंगाबाद में बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। एनडीए को उम्मीद है कि बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के जनाधार से मिलेंगी ज्यादा सीटें। इसके अलावा भागलपुर सीट जेडीयू को मिली है, जबकि दरभंगा, सारण, महाराजगंज और बेगूसराय से बीजेपी के उम्मीदवार लड़ेंगे। बिहार में एनडीए की पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा पहले ही हो गया था, आज इस बात का ऐलान हुआ कि कहां से कौन सी पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे। नालंदा, काराकार, जहानाबाद, गया, भारतीय जनता पार्टी, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद और लोकसभा, लोक जनशक्ति पार्टी।